गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। नए दिन की नई शुरुआत करते बना लेते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह सुबह से छत से, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ना अपने कामों में सुबह सुबह से ही लग गई थी। आके छत में कपड़े सुखा दिए क्योंकि नीचे धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आज थोड़ा छत पर धूप निकली थी, तो मैंने सोचा छत में कपड़े सुखा देती हूँ करके। और आज आप लोग देख रहे होंगे मैं रेडी हो रखी हूँ, तो रेडी हो रखी हूँ मैं आज दिल्ली की फेमस मार्केट, क्या नाम है यार मार्केट का नाम, सरोजनी नगर जाने के लिए। तो आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आई होगी, इसके आइए दिखाती हूँ। आज मैंने अपनी दगड़िया अपनी बहन को फिर से बुला लिया है सरोजनी मार्केट ले जाने के लिए, तो ये पहुँच गई है। देखो हेलो बोल दे। हेलो, कैसा लग रहा है फिर आप मार्केट? कभी तो फ़ोन छोड़ दिया कर no. इतने क्या इंपॉर्टेंट, फ़ोन में क्या लगा रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, आपने इसको बिना फ़ोन के कभी देख रखा है मेरे व्लॉग में कमेंट करके बताना, कभी नहीं देखा होगा सच में। और ये पता नहीं क्या करती रहती है फ़ोन में, खोला कुछ भी नहीं है, खाली देख रही है फ़ोन को, पता नहीं इसको अपने फ़ोन से इतना प्यार किया है। तो चल बता क्या कहते हैं आज खाली जा रही है मेरे को, इसको करनी है शॉपिंग, तो हम जाएंगे सरोजनी नगर। हाँ गाइस, मुझे ना ठंडियों के कपड़े लेने हैं और इसने बोला कि सरोजनी नगर और चांदनी चौक से बढ़िया मार्केट नहीं हो सकती है जहाँ की, मतलब जहाँ इतनी सारी वेराइटीज़ मिलती है कपड़ों की करके। तो चलिए, मैं तो गई नहीं हूँ कभी, यही गई है, तो आज ही मेरे को घुमाएगी। चलते हैं, देखते हैं ऊबर से जाएँ या फिर मेट्रो से जाएँ। तो फाइनली हम लोग ना मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, तो अभी हैं चलते हैं। हाय बोल। ये है ना टिकट्स यहाँ पे लिखा है। अच्छा वो तो है, यहाँ पे है टिकट काउंटर। तो हम ना एक बार टोकन ले लेते हैं क्योंकि मेट्रो कार्ड तो है लेकिन उसमें ना अभी शायद बैलेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे से लेते हैं टोकन। सेवा देखो, हमने ना क्या कहते हैं टिकट लिया और वो भी इनवैलिड निकला और इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया हमारा खाली खाली। अंकू का तो निकल गया था और मेरा इनवैलिड आ रहा था, फिर मैंने दोबारा से टिकट स्कैन करवाया। दिल्ली वालों पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा। मेट्रो खड़ी है ये देखो, और भीड़ देखो मेट्रो में आज, इतनी गंदी भीड़ हो रही है भाई गौड़ी। ना मेट्रो के अंदर फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो अभी तक का मेट्रो आई नहीं है, हम स्टेशन पे खड़े हैं, इसलिए मैं फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ, मतलब इसलिए शॉट्स ले रही हूँ। और मेट्रो के कुछ रूल हैं आजकल ही स्पेशल आ रखे हैं ना, मतलब ख़तरनाक से दिल्ली के अंदर स्पेशली मतलब फ़ोटो शूट करने में, तो अब ना मतलब मना हो गया है यहाँ मेट्रो के अंदर स्पेशली ब्लॉग शूट करना। येलो लाइन है ये, इससे आगे को जाना अलाउ नहीं है, पहली चीज़ तो ये है मेट्रो की। और इसके पीछे अगर तुम्हें शूट भी करना है तो ये येलो लाइन के पीछे ही करो आप, ऐसा है। ये यहाँ बैठ गई है, वो पटरी में बैठ जा। तो गाइस देखो हमारा उत्तम नगर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। वहाँ पे रहते हैं हम लोग देखो, और हम लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब मेट्रो स्टेशन हमारे घर से इतना नज़दीक है। चल दिए हैं, तो चलिए अब ना सीधा आप लोगों को पहुंच के मिलते हैं वहीं, ठीक है? अब सो जाते हैं क्योंकि एक घंटे का रास्ता है। चल पड़े हैं। घर से दिखा देते हैं, सीसा इतना गंदा है कि खुद दिख नहीं रहा। अभी ना एक बात तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी मेट्रो ना इतने ज़ोर से हिली यहाँ पे, और मैंने अंकू से बोला ये क्या हो रहा है ऐसा, तो अंकू बोल रही कि मेट्रो के नीचे शायद कोई आ गया करके। ऐसा ना अक्सर तब होता है जब मेट्रो के नीचे कोई आ जाता है, या फिर कभी कोई आया होगा मेट्रो के नीचे और उसकी डेथ हो गई होगी, तो उसकी आत्मा भटक गई होगी, इसलिए मेट्रो इतने जोर जोर से हिली है अभी। ये कह रही है क्या कहते मोड़, हाँ अभी हम मोड़ में जाके कहीं टकरा भी सकते हैं। ये देखो ये ना ऐसी उल्टी सुलटी बातें करती है ये पागल जैसी। तो हम लोग जनकपुरी स्टेशन पहुंच चुके हैं जो हमारे घर से और भी ज़्यादा नज़दीक है, जनकपुरी पहुंच गए। देखो कैसे आते रहेंगे सब लोग, धर 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 धर, मेट्रो के कपाट बंद बंद।
फाइनली हम लोग ना उतर चुके हैं राजौरी गार्डन पे। अब राजौरी गार्डन से ना जाना है हमें पिंक लाइन में। अब सीधा हम सरोजनी नगर वाले स्टेशन पे ही उतरेंगे। फाइनली राजौरी गार्डन वाले मेट्रो स्टेशन पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड में है, तो अभी हम लोग ना बहुत बेसमेंट में हैं नीचे। मेट्रो मतलब नीचे आने में ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो जा रही है, तो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बना तो नहीं रखा है, लेकिन ये पिलर्स हैं जितना हम लोग बैठ जा रहे हैं। ऐसे ही आगे तक का पिलर बने हुए हैं। देखो संडे के दिन भी कितना ज़्यादा रेस्ट है। जो मेट्रो के गाइस आगे के मतलब जो फर्स्ट वाला डब्बा होता है ना मेट्रो का, तो उसमें ना सिर्फ महिलाएं बैठती है। तो ये फर्स्ट वाला डब्बा देखो यहीं पे रुकेगा, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है केवल महिलाएं लिखा हुआ है। फाइनली आ गई मेट्रो के लिए, देखो पिंक लाइन। ओह कितनी भीड़ है, ये देखो मस्त भीड़ हो रखी है। ये पूरे साइड इधर को भी भीड़, इधर को भी भीड़। लोग फाइनली सरोजनी नगर पहुंच चुके हैं, लेकिन ना अपना बहुत ही ज्यादा भीड़ है। देखो आप लोग, आज है संडे का दिन, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब ना मैं सीधा मोबाइल रख दे रही हूँ, क्योंकि ना मोबाइल इतनी ज़्यादा भीड़ है तो चोरी होने का डर भी लग सकता है, इसलिए ना मैं मोबाइल रख दे रहेगा तो मैं आप लोगों को मार्केट का व्यू दिखाऊंगी, वरना नहीं दिखा पाऊंगी। हो जाता है, यहाँ संभाल के रखना पड़ता है। हाँ अभी से ही देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी मार्केट हम लोग पहुँचे नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है, तो सोचो अंदर जाके कितनी भीड़ है। अपने बच्चों के साथ ना ही आए। हाँ बच्चों के साथ तो यहाँ ना ही आए, सच में इतनी ज़्यादा भीड़ देखो। हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ पे से हम शॉपिंग कर रहे हैं कोट की। फाइनली हम लोग ने आज शॉपिंग कर ली है, और अभी लास्ट शॉप में हमने एंटर किया यहाँ पे कोट शॉप। अभी तो ज्यादा मैं शॉप ले नहीं सकती, तो ये भैया आप लोग ना इनको दिखाओ, इनकी शॉप में मेरा नाम लेके विजिट कर सकते हैं। हीरो भैया, तो भैया आप लोग मेरा नाम लेके आएंगे तो भैया आपको कम में कर ही देंगे। नाम बता दो अपना, क्या है गाइस। मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन भैया के आना है, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस हैं कि मन नहीं भर रहा है। तो आप लोग ना मेरे कहने पे एक जरूर बार जरूर विजिट करिएगा। एक ये भी दिखा दो, ये देखो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पर मेरा बजट नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, आप लोग जरूर लीजिएगा करिएगा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छे रेट में लगा रखे हैं। ठीक है, आप मेरा नाम लगा के कितना मिल जाएगा आपको? 500 रुपये, मतलब 500 रुपये। हाँ गाइस मेट्रो के लिए भीड़ देखो जरा, आगे भी इतनी भीड़ है, पीछे भी इतनी भीड़ है। गाइस शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई, पर अब घर कैसे जाएं इतनी भीड़ में? आप लोग देखो जहाँ देखेंगे लोग नीचे बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ हो रखी है। जाएंगे यार वहाँ देखना, ये देखो थैले इतने भर गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है। देखो इतनी सारी शॉपिंग करके कैसा लग रहा है आज? मैं थोड़ी देर में गिर जाऊंगी अगर मेट्रो जल्दी नहीं आई तो। गाइस मेट्रो आने में ना बहुत टाइम लगा रही है, मेरा मुंह देख सकते हो आप लोग लटक चुका है बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हमने ना पानी भी नहीं पिया है, गुआ भी नहीं है, और पानी भी नहीं पी रखा है, और पाँव भी सूज गए हैं। अब ना ऐसा लग रहा है कि घर जाएं और पका पुका हमें मिल जाए और हम सो जाएं। मैंने जीवी से फ़ोन करके, जीवी के पापा को भी फ़ोन किया था, जीवी बिल्कुल ठीक है, वो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है कि हाँ मम्मा कहाँ गई करके। कोई इज्जत नहीं है। हाँ मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, मस्त आराम कर रही है अपना, सो रखी है। तो अब फाइनली अब पहुँचेंगे हम लोग घर, शाम हो गई है, थैंक यू। सीधा ऊपर जाएगा, सामान
सामान लेके ना, ये देखो इतना सारा सामान लेके ना हम लोग खड़े हुए हैं। एक तो मेट्रो स्टेशन में बैठने की जगह नहीं होती है और ऊपर से ट्रेन लेट आने वाली है, मेट्रो अभी तक आई नहीं है। गाइस मेट्रो में पहुंच गए हैं, हमको का मुंह देखो कैसा हो रहा है, और हम लोग ना खड़े हैं, हमको सीट नहीं मिली है यहाँ। नीचे सामान देखो, नीचे सामान देखो कैसे एडजस्ट करें हम। गाइस दिन भर की थकान से फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज ना अंकु भी यहीं रहेगी हमारे साथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। 8:30 बज गए हैं, 8:30 बजे हम लोग घर पहुंच रहे हैं और देखो सारा सामान फैला दिया, इतना सारा सामान जितना भी हम लेके आए थे, सारा स्वेटर, ये सारे स्वेटर, और आज मैं लेके आई एक बैग, अपने लिए शूज़, इतना सारा सामान बाई गॉड पूरा फैला दिया। देखो यहाँ इतने सारे कपड़े लेके आई, कोट लेके आई अपने लिए, और इतने सारे कपड़े लेके आई, देखो घर फैल चुका है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। रखते हैं इस व्लॉग को, इतना ही, मिलती हूँ मैं कुछ ही जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वस्थ रहें, बाय बाय।